फिर से हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ इस बार हमने कहा था कि मैथ के क्वेश्चंस जो है अगर आपको फाइनल पेपर अटेम्प्ट करना है तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपका पेपर थोड़ा ईजियर हो जाएगा। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्टअप होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जो मैथ्स है, मैथ वाला जो पार्ट है, उसको आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सबसे कम समय में। आप अपना फोकस रखिएगा केमिस्ट्री पे सबसे पहले, उसके बाद फिजिक्स, और तब फाइनली आपको ट्राई हो करना होगा मैथ, क्योंकि मैथ जो होगा वो थोड़ा टफ आता है। ठीक है, ये तो पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन पिछली बार तो काफ़ी टफ आया था, तो इस बार भी चांसेस हैं कि मैथ का पेपर टफ ही आए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो करने वाला हूँ उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो है उन्हें कैसे टैकल करना है, उनको करने से पहले क्या आपके माइंड में सोचना होगा कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, और कुछ ईजी ट्रिक्स जो होंगे कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए, ये जो आप क्वेश्चन जो है इनको आप देख लीजिएगा, मैं सीधे सॉल्व करूँगा इनको। तो पहला क्वेश्चन, तो ये जनरली एक सेट्स का क्वेश्चन है, तो सेट्स के आप जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखने के लिए आप क्या करेंगे, जो सेट्स के जो भी फार्मूले हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उनको एक बार देख लेंगे आप, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन चुनने होंगे मैथ में कि कौन कौन से क्वेश्चन आप मैक्सिमम लगा सके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है, इसको यूनियन इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसमें से आप ए जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन आप कामन ले सकते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, हमने कामन ले लिया, ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, उसका यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बचेगा आपका बी, ये फिर ये यूनियन, और ये इंटरसेक्शन आपने कामन लिया है, फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, यानी ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में से आप जो भी कामन लेते हैं उसका किसी भी चीज़ के साथ जो इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही चीज़ आ जाता है, यानी ए आ जाएगा आंसर। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ यहीं से आप देख लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन का, तो इसमें आपको जनरली आपका माइंड यूज करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन मददगार होते हैं मार्क्स दिलाने में। ठीक है, इनको भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मार्क्स होते हैं वो आपको कट ऑफ पार कराने में थोड़ा मदद करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको 180 तक आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पहुंचा दें, ठीक है, तो बाकी आपको जो 40 या 45 मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपको श्योर करते हैं, वो मिलने चाहिए आपको मैथ से। ठीक है, तब आप कॉन्फिडेंस आपका तभी बूस्ट होगा जब आपको जो मैथ वाला पोर्शन वो 50 नंबर तक दिला दें। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उनसे आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो है, एफएक्स ये आपका फंक्शन डिफाइंड है, डिफिनेशन है फंक्शन का ये, और एक्स जो है रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, इसका रेंज बताना है आपको। तो ये आपको दिख रहा है ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, यानी इस फंक्शन का जो मॉडुलस फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। निगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि मॉड में है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो। यानी ये जो फंक्शन होगा इस वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1-0। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा फंक्शन का। कैसे, ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा, ये तो हमेशा जीरो से पॉजिटिव ही होगा, इसका रेंज क्या होगा, जीरो से लेकर पॉजिटिव कोई भी इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते हैं तो 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसका वैल्यू जीरो रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 में से इसमें क्या सब्ट्रैक्ट होगा, जीरो, यानी आपका 1 हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से, और ये हो जाएगा कम 1। ठीक है, 1 पे क्लोज्ड है तो माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो लॉजिकल होंगे, जिनको आप इजीली, मैं जिसमें कुछ नया बता सकूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 10 13π/12। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है आपको, आप ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका टैन का जो ग्राफ याद है आपको, ग्राफ कैसे होता है टैन का, जैसे होता है ये फंक्शन क्या होता है, पाई बाई टू, जिस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है। पाई पे फंक्शन क्या होता है, फिर से ऐसे ही जाएगा आपका, ऐसे ही होता रहता है ये टैन का फंक्शन। ठीक है,
ये पाई वैल्यू क्या होगा, जीरो। और हमको निकालना क्या है, टेन 13 पाई बाई 12 का वैल्यू निकालना है। टेन जो है 13 पाई बाई 12, यानी क्या है, ये पाई से पाई प्लस पाई बाई 12 है, यानी ये जो फंक्शन है ये पाई से बड़ा है, ठीक है, और पाई प्लस पाई बाई 4 से छोटा है, ठीक है। यानी ये पाई से जब बड़ा होगा आपका, ये जो फंक्शन पाई से बड़ा होगा, यानी इस तरह तो कन्फर्म है आपका कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। तो पहला चीज़ आप ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या होगा, दूसरा आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई बाई 4 से आपका छोटा है, ये पाई प्लस पाई बाई 4 से छोटा है, इसका मतलब ये होगा ये आपका टेन, ये आपका टेन पाई बाई 4 से छोटा होगा, यानी 1 से आपका ये छोटा होगा वैल्यू, ठीक है। तो यही दो कंडीशन से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसमें, इसको आप अलग से वैल्यू निकालने नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप ऑप्शन इसमें क्रॉस चेक कर लें तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपकी, ये तो मैं बता रहा हूँ तो टाइम टेकिंग आपको लग रहा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी मददगार रहेगा ये, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा वैल्यू और 1 से कम होगा, क्यों, क्योंकि 10 पाई बाई 4 से ये कम हो रहा है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 से आपका कम होगा, ठीक है। ग्राफ देखिए आप कैसे जाता है, ये ऐसे जाकर ऐसे जाता है, यहाँ पे 1 होता है और 1 से ये पाई बाई 4 पे होता है, पाई बाई 4 से आप कम जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा और कम होते जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 2 प्लस रूट 3, यानी ये तो 1 से बड़ा है, आपको क्लियर देख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। दूसरा जो ऑप्शन है आपका 2 माइनस रूट 3, ये जो वैल्यू है 1 से कम है, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, 2 का वैल्यू होता है 2 और रूट 3 का 1.732, यानी आप 1 से कम भी है और पॉजिटिव भी है। तीसरा वैल्यू आप देखेंगे निगेटिव वैल्यू है 1.732 माइनस 2, यानी निगेटिव वैल्यू है। और चौथा जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से बड़ा है, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी 1 प्लस ही कुछ होगा ये, ठीक है, यानी ये भी 1 से बड़ा है, यानी जो फाइनली आपका ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन है। क्वेश्चंस आपको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करना होगा, और नहीं किए तो आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइन बाई माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड द कर्व एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, इस कर्व और इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। इसमें ऑप्शन से आप ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते, इसमें आपको जनरल आपको जो नॉलेज है उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो लाइन दिया था वो था y माइनस x इक्वल टू 1 था लाइन, ठीक है, और जो कर्व दिया है वो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और इनके पीछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि अगर आप मानते हैं इस कर्व पे कोई पॉइंट ए बी, ठीक है, किस इस लाइन से आपको दूरी निकालनी है, इस लाइन से और इसके किसी भी पॉइंट पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ठीक है। तो मानते हैं कोई पॉइंट इस पे ए बी हो, तो ए और बी में रिलेशन कैसा होगा, अगर पॉइंट ए बी हो तो रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स का अगर ए है, ठीक है, तो वाई क्या होगा आपका, वाई हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर वाई का वैल्यू आप लेते हैं बी, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप जो मन वो ले सकते हैं। तो माने कि अगर कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट का होगा, इससे आप वेरिएबल्स कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वाई को आप बी मानते हैं तो ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर वाई का वैल्यू आप बी लेते हैं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर कामा बी आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन सीजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इससे आपको इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, इक्वेशन है, इसमें आप सिंपली वैल्यू रख दें, b का वैल्यू क्या है, y की जगह पर हो जाएगा आपका b, क्योंकि y का क्वानिटी x की जगह पर आपको रख देते हैं, x का क्वानिटी यानी बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, रूट में इसके कोफिशियंट का स्क्वायर यानी 1 है, इसके कोफिशियंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी रूट 2, ये जो वैल्यू है ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो हालांकि बी और का वैल्यू जो है वेरिएबल है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो वो किसी पर्टिकुलर वी के लिए होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट कब होगा, जब ये जो है मॉड में बी स्क्वायर माइनस ये जो है ये टर्म, ये जब ये शॉर्टेस्ट हो, यानी ये जब छोटा हो तब ये भी छोटा होगा आपका, यानी ये छोटा कब होगा आपको ये निकालना है, यानी किस वी के वैल्यू के लिए ये छोटा हो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसमें वी का वैल्यू निकलेगा, वहाँ से डिफरेंशिएट कर लीजिए, 1 माइनस 2 बी होगा 0, यानी 2 बी जो होगा आपका 1 हो जाएगा, बी जो होगा वहाँ से 1 बाई 2 होगा, ठीक है, वी का वैल्यू आप 1 बाई 2 यहाँ पर रखिए, ठीक है, और वहाँ से आप डिस्टेंस, ठीक है। तो आप कर सकते हैं बी का वैल्यू 1 बाई 2 आप यहाँ पर रखें इस इक्वेशन में, ठीक है, और वहाँ से आपका सैटे जिसमें का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 बाई 2 रख के चेक कर सकते हैं, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 अपान रूट 2, यही जो होगा सैटे डिस्टेंस होगा ये मॉड में है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर सकते हैं, माय आंसर जो होगा आपका
थ्री टू बाई एट होगा शायद, आप एक बार चेक कर लीजिए इसको, ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, वरना जो वीडियो होगा आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसको देखिए, इस क्वेश्चन जो है ये काफ़ी आता रहता है, लेकिन इसको आप टैकल कैसे करेंगे, देखिए, इफ़ ए बी सी आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जी पी वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स पावर बी माइनस ए वाई पावर सी माइनस ए जेड पावर ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से कर कह सकते हैं ए बी सी जो है वो किसी भी जनरल ए पी और जनरल जी पी के लिए बात की जा रही है। ठीक है, यानी सबके लिए ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू हो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वो जनरल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, एक्स पावर बी माइनस सी है, वाई पावर सी माइनस ए है, और जेड पावर का ए माइनस बी है। और ए बी सी क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ए बी सी जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स है किसी भी ए पी का। तो अगर हम ए पी मानते हैं वन टू थ्री, भी क्या है, ए पी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वन है। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस वन है, वन 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 वन, ये भी क्या है, एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, ये भी एक ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस आपका जीरो है। ठीक है, तो मैं यही यूज करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं यूज करूँ तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बी माइनस सी, यानी सब जब टर्म क्या है, वन 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 है, तो वो जीरो हो जाएगा, वाई पावर जीरो जेड पावर जीरो, यानी ये वन इंटू वन इंटू वन। ठीक है, यानी जो वैल्यू आएगा वो होगा वन, और ये सबको ये फॉलो होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी आप बचपन से करते आ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, फोर पावर वन माइनस सिक्स प्लस फोर पावर वन माइनस सिक्स इक्वल टू टेन है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, फोर इसको आप सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन था आपका फोर पावर वन माइनस सिक्स प्लस फोर, फोर प्लस पावर वन प्लस सिक्स था, फोर पावर वन माइनस सिक्स था इक्वल टू टेन। यहाँ से आप फोर इंटू फोर पावर एक्स लिख सकते हैं, इसको फोर अपान फोर पावर एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन हो जाएगा। फोर पावर एक्स को आप टी मान लीजिएगा, टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहाँ से टी को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और टी को सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू जाएंगी, और उसको आप पुट करिए, फोर पावर एक्स के बराबर कीजिएगा, वहाँ से टी के वैल्यू एक्स का वैल्यू आएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से आप ऑप्शंस निकालिए, ऑप्शंस रख के वहाँ पर पुट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर आप पुट करते हैं एक्स इक्वल टू टू और वन बाई टू, तो अगर टू रखते हैं तो आप देख सकते हैं फोर पावर वन प्लस टू, यानी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फोर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी 64 हो जाएगा। और जो दूसरा टर्म है वो भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव टर्म ही होगा। ठीक है, यानी 64 में कोई पॉजिटिव टर्म जोड़ेंगे तो आपका 10 तो नहीं आएगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन ऐसे ही कोइंस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो है एक्स के पावर 1 बाई टू, यानी यहाँ सब आप रखेंगे तो ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं रख के। ठीक है, और तीसरा भी ऑप्शन देख सकते हैं, फिर उसमें 2 है, 2 को आप रखेंगे तो फिर नहीं आएगा, प्लस 2 रखेंगे तो। चौथे ऑप्शन में भी आप 2 देख रहे हैं, वो भी नहीं होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आप ऐसे ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक जो करना है, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आप मैथ के लिए आपके पास कम समय बचा रह सकता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, जो कि रिपीट होते रहता है, हर साल रिपीट होते रहता है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली करना क्या है, जो पहला एक्स का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और एक्स ये जो नीचे आपका ए पी दिया है उसका आपको इन्फिनिटी तक सम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कंडीशन दिया है ए जो है वन से छोटा है, बी जो है वन से छोटा है। ठीक है, यानी जब आपका कॉमन रेशियो जो होता है वन से छोटा होता है। ठीक है, और इन्फिनिटी तक सम निकालना है, तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपान वन माइनस कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, वहाँ से हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन आपका, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, और आपको पता है कि ए जो है, ठीक है, ये वन से छोटा है, और बी जो है ये भी आपको दिया गया है वन से छोटा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू बी भी क्या होगा, वन से छोटा होगा। ठीक है, यानी ये जो ए पी का आपका जो जी पी का आपका फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी का, वो इसमें भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में, क्योंकि आंसर जो है एक्स और वाई के टर्म्स में आया, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी वन अपान कॉमन रेशियो वन माइनस एक होता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका वन माइनस ए हो जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, ए जो हो जाएगा आपका वन माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन अपान एक्स। यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल लिए, सिमिलरली आप वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सिमेट्रिक हैं, वैसे इसको भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपका बी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस वन अपान वाई। ठीक है, फाइनली आपको इसका निकालना है, यानी इसका
इंफिनिटी तक सम का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी वन, यहाँ पे का माइनस यू क्या है, ए बी है, यानी वन माइनस ए बी, ठीक है, मिल जाएगा वन अपान वन माइनस ए का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स, बी का वैल्यू है वाई माइनस वन अपान वाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा आप यहाँ से एलसीएम ले लें, एक्स वाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी एक्स वाई ऊपर गया, नीचे हो जाएगा आपका एक्स वाई, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स वाई, ठीक है, और हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन, ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया यानी एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई माइनस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ऐसा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वन प्लस फाइव प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी नाइन, सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करने चले तो ये काफ़ी लेंदी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, आप सम निकाल सकते हैं, ऐसे ना आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे माइनस वन आपको शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना होगा, टी ए निकल, वहाँ से आपको टी ए निकलेगा, लेकिन यहाँ पर उतना करने का समय नहीं है आपके पास, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, चूँकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और आपका टाइम बहुत कम है तो आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को, सम ऑफ एन टर्म्स, इन सभी एन टर्म्स को आपका सम निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सम ऑफ, अगर फर्स्ट टर्म बस बोल दिया जाए तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, वही टर्म होता है, क्योंकि एक ही टर्म है, आप उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर एस वन यानी फर्स्ट टर्म का सम निकालें तो क्या होगा, वो ए वन ही होगा यानी वन होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का सम क्या हो जाएगा, वन होगा, ठीक है। आपको सीरीज दिख रहा है वन प्लस फाइव प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी नाइन, यानी पहला टर्म जो होगा वही सम होगा एस वन का, फर्स्ट टर्म का सम क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंथ जो टर्म है उनका सम का आप ये फार्मूला दिया है, ठीक है, नीचे ऑप्शंस में जो करेक्ट है, जो सेटिस्फाई करता है उसमें आप चेक कर लीजिए। तो एन का वैल्यू ऑफ वन रखिए सब में, पहले आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पावर टू यानी फोर माइनस थ्री यानी वन, यानी पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा आप देखेंगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, आप वन रख के चेक कर सकते हैं इसको, टू पावर थ्री माइनस थ्री यानी एट माइनस सिक्स, टू प्लस फोर सिक्स आ जा रहे हैं, ये जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन बहुत सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको ऑप्शन जरूर चेक करना है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाए तो, और सब क्वेश्चन आपको उसमें कुछ नई चीज़ बताने के लायक नहीं है, आपको पहले जो क्वेश्चन है उन्हीं का आप जो पढ़े होंगे वैसे ही आएंगे, जैसे बाइनोमियल के क्वेश्चन होते हैं आपको पता है कैसे करना रहता है, एन और आर माने आप, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ इसमें से और वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि कई क्वेश्चंस के आंसर जो मिलते हैं आंसर की में वो काफ़ी गलत आंसर की मिलते हैं, तो आपको उसको देखकर आपको टेंस नहीं होना है, आंसर की आप वहाँ पर मत देखें जो ऑफिशियल आंसर किया जाता है, वो काफ़ी गलत होता है कुछ समय तक, ठीक है, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। आपको आपके मार्क्स आपको सही मिलते हैं, ये है फैक्ट कि आपके मार्क्स सही मिलते हैं, लेकिन आंसर की आप भरोसा ना करें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपको, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे उसमें एक ही फैक्ट का यूज होता है हमेशा, ठीक है, वो मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंस है, इसमें से आपको वावल्स को एक साथ रख के परम्यूट करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन करना है, आपका वर्ड जो है इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, थोड़ा बारीकी से करेंगे इसको हम, ठीक है। वावेल्स आपको एक साथ रखना है, तो वावेल्स पहले होते क्या हैं, ए आई ओ यू, ठीक है, पांच होते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, आई ई ई ई ई, यानी जो आपके पांच, चार जो हैं वो ई है, ठीक है, यानी टोटल पांच वावेल हैं जिसमें से एक आई है और चार जो है आपके ई ही है, ठीक है। इस दोनों को आपको एक साथ रखना है, यानी सारे वावेल्स को आपको एक साथ रखना है, तो आपको एक साथ रखने का आपको बताया गया तरीका, आप उन, आप जिसको एक साथ रखना है उसको आप एक ही चीज़ मान लें, ठीक है, आप उसको एक ही चीज़ मान लें और बाकी सबके साथ उसको अरेंजमेंट कर दें उसका, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ पर हमेशा, आप जो भी परम्यूटेशन कमीशन देखें उसमें वो चीज़ यूज होता ही है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको परम्यूटेशन करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं और उसमें से कई चीज़ें सेम हों, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको पांच वावेल्स हैं आई और चार ई, ठीक है, और उसको आपको परम्यूटेशन कराना है इसका, ठीक है, तो आप कैसे करा सकते हैं, आई है और चार ई है, ठीक है, आई को आप पहले पोजीशन पर रखें, ठीक है,
उसके बाद आई को आप दूसरे पोजीशन पर रखें, तीसरे पोजीशन पर रखें, चौथे पोजीशन पर रखें, पांचवे पोजीशन पर रखें, ठीक है। ये पांच ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जो बाकी जो चार हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। आप इस ई को, आप आई को सेकेंड नंबर पर ले गए, ठीक है। अब ये एक यूनिक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब आप इस ई को इस ई से बदल लें, इस ई को इस ई से बदलें, तो वो कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा, वो भी सेम ही होगा, वो भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो आई ई पावर जो फाइव है, सॉरी आई ई जो फोर है, चार ई है इसमें, तो उसके कम्बिनेशन कैसे होंगे, पांच अरेंजमेंट होगा। और इसको आपको, इसके लिए जो आपका फार्मूला है वो होता है नंबर ऑफ टोटल जो है, जो नंबर है डिफरेंट वो है पाँच, ठीक है। और इसमें से चार चीज़ें जो हैं सेम हैं, ठीक है, चार चीज़ें सेम है। सिमिलर चीज़ें कितनी हैं, तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पर चार ई हैं जो सिमिलर हैं, ठीक है। तो फाइव फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा अरेंजमेंट देखता हूँ ए बी सी ए डी डी सी, ठीक है, इसका मुझे अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा, टोटल कितना है पहले मैं ये देख देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल सात है, सेवन फैक्टोरियल अपन एक जैसे कितने कितने चीज़ें हैं, एक कितनी बार आया है, दो बार आया है, ठीक है, यानी दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। बी कितनी बार आया है, बस एक बार आया है, यानी वन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। सी कितनी बार आया है, दो बार आया है, यानी दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। डी कितनी बार आया, दो बार आया, यानी दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। तो इसके अरेंजमेंट्स कितने होंगे, इतने होंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, यानी ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको, इसमें आपको टोटल कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टोटल हैं, जिसमें से पांच जो हैं आपके वो वावेल्स हैं, यानी सात जो बचे जो कि वावेल्स नहीं हैं, ठीक है। तो सात ये जो कि वावेल्स नहीं हैं, और ये जो इनको मैं एक साथ मान लेता हूँ, ये जो पांचों वावेल हैं इनको मैं एक सिंगल चीज़ मान लेता हूँ, तो टोटल कितना हो गया, आठ हो गया, ठीक है। और ये आठों जो चीज़ें हैं ये क्या सेम है क्या, और देखते हैं जो बाकी बचे वो कौन, वो अलग अलग हैं या सेम है। तो एक है आपका एन जो कि क्या है, और एक एन जो है दो, और ये तीन एन मिल गए आपके, ठीक है। तो तीन है आपके एन, ठीक है, इसमें एक दो तीन एन मिल गए, चार ई मिले थे आपको, वो उसको छोड़ देते हैं पहले, फिर डी देखते हैं, एक डी दो डी मिल गए आपके, ठीक है, यानी दो आपके डी मिल गए हैं। और कुछ सी देखते हैं, सी आपका एक है, पी जो है आपका वो भी एक ही है, और बाकी सब चीज़ें एक ही एक है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ इसको, टोटल कितने हैं, एट हैं, ठीक है, बाकी सात जो कि अलग अलग हैं, और मैं इनमें से एक, इसको तो एक ही साथ मुझे रखना है, तो इनको मैं एक ही चीज़ मान ले रहा हूँ, एक ही साथ इन्हें रखना है मुझे। तो एट फैक्टोरियल सपा तीन बार आपके जो हैं वो तीन बार जो रिपीटेशन है एन का, और दो बार रिपीटेशन है डी का, ठीक है। और ये जो एक साथ चीज़ है इसमें तो कोई रिपीटेशन है नहीं, और सी और पी में भी कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने अरेंजमेंट आएंगे, एट फैक्टोरियल अपन थ्री फैक्टोरियल इंटू टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस, अब प्लस क्यों, क्योंकि ये जो आई और ई है जिनको मैं एक साथ माना था, इसमें भी पांच अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये जो पांच अरेंजमेंट है ये पॉसिबल है, कैसे, फाइव फैक्टोरियल अपन चार फैक्टोरियल एक साथ, एक से चीज़ें हैं चार ई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइव, ये प्लस फाइव। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन उसी पेपर का आप देख सकते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन है आपका, वही फैक्ट यूज करना, हाउ मेनी सेवन डिजिट्स नंबर्स कैन बी यूज्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4, यानी टोटल कितने डिजिट्स दिए गए हैं, सात डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है। उसमें दो कितनी बार आया है, तीन बार आया है, और चार कितनी बार आया है, दो बार रिपीट हुआ है, यानी सेवन फैक्टोरियल टोटल हो गए, तीन बार रिपीटेशन दो का हुआ है, यानी अपान में थ्री फैक्टोरियल, दो बार चार का हुआ है, यानी दो फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेवन फैक्टोरियल अपन थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट।